दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। देश के प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, देश के लिए पिता स्वरूप होते हैं। बताइए, ये बात जो कि इस देश के हर नागरिक के मन में रची बसी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात भारत के इस देश के एक रिटायर्ड फौजी को याद दिलानी पड़ रही है। और जिस तरह से याद दिलानी पड़ रही है दोस्तों, शर्म से हम सबका सर झुक जाएगा। दोस्तों, इनसे मिलिए, ये हैं तमल साहा। तमल बेहतरीन पत्रकारिता कर रहे हैं, यूट्यूब में इनका अपना चैनल है एनटीटी के नाम से। मणिपुर को लेकर जो पत्रकारिता तमल ने की है, हिंदी पट्टी छोड़िए अंग्रेजी के भी किसी पत्रकार ने नहीं की। कम संसाधनों के बावजूद भी तमल लगातार मणिपुर में जितने भी संसाधन उनके पास हैं उस स्तर पर अलग अलग वीडियोस मणिपुर की हमारे सामने रख रहे हैं। दोस्तों, तमल इम्फाल जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें सड़क पर कुछ पूर्व एनसीसी के लोग मौजूद दिखे। एनसीसी जिसके खुद प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा रहे हैं और उनके कार्यक्रमों में भी पीएम मोदी शामिल हो चुके हैं, वो एनसीसी के लोग सड़क पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और मणिपुर में शांति बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच असम राइफल के रिटायर्ड कर्नल शांति कुमार सपन इनसे मिल जाते हैं और तमल उनसे सवाल पूछते हैं। जैसे ही रिपोर्टर ने रिटायर्ड फौजी सवाल पूछने की कोशिश की, वो भावुक हो गए और उसके बाद भावुक होकर उन्होंने जो बोला उसकी छोटी सी क्लिपिंग में आपको सुना। दोस्तों, रिटायर्ड कर्नल शांति कुमार ने जो बातें बोली है ना, वो भले ही उन्होंने मणिपुर में बोली हो, लेकिन इस देश के हर नागरिक के कानों तक पहुंचनी चाहिए, सुनना चाहिए इस देश के हर नागरिक को कि एक रिटायर्ड फौजी जिसने इस देश के लिए वर्दी पहनी हो, देश के लिए हथियार उठाए हो, देश की अखंडता के लिए लड़ाइयां लड़ी हो, वो आंख में आंसू लिए देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या बात कह रहा है। रिटायर्ड कर्नल शांति कुमार कहते हैं, इस मामले में राज्य सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन केंद्र सरकार कर सकती है। जब बच्चे ठीक से व्यवहार न करें तो पिता को बच्चों को समझाने आना होता है, चाहे वो कैसे भी समझाएं। मैं हैरान हूँ, पीएम अब तक चुप क्यों हैं? एक शब्द तक क्यों नहीं बोला? मेरे लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं और वो अब तक चुप हैं? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहें तो इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, उन्हें हमारी चिंता ही नहीं है। मैंने इंडियन आर्मी में सेवाएं दी हैं, आज रिटायर्ड हूँ। मेरे रेजिमेंट में कुकी, नागा, मैतही सब एक होकर देश की एकता के लिए लड़ते थे, लेकिन आज मेरे लोग, मेरा राज्य जल रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट को लेकर तो प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, न केवल उनके मंत्री बल्कि खुद वो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में जाकर ये कह चुके हैं कि 70 साल में नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने के लिए जो प्रयास, जो विकास कोई सरकार नहीं कर पाई, वो उन्होंने किया है, ये प्रयास किया है उनकी सरकार ने। नॉर्थ ईस्ट के लोग, मणिपुर के लोग सड़क पर बैठे हुए हैं शांति की अपील करने के लिए, हाथ में पैम्पलेट लिए हुए कि प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं, बोलें। और प्रधानमंत्री मोदी अब तक शांति की अपील तक नहीं कर पा रहे हैं। शांति की अपील तो छोड़िए, गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर गए थे, उसके बाद भी हालात ठीक नहीं हो पाए। हालत ये हो गई कि खुद बीजेपी की डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री निकलते हैं घर से अपना इस्तीफा लेकर और उनका इस्तीफा फाड़ दिया जाता है बाहर कार्यकर्ताओं द्वारा। इस पूरे ड्रामे में दोस्तों पिस कौन रहा है? ये लोग, मणिपुर का आम आदमी जो लगातार सरकार से अपील कर रहा है कि आइए हमारी मदद कीजिए, हमें मदद की जरूरत है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक और जानकारी मुझे आपको देनी है, YouTube ने आखिरकार अब मेरे चैनल में ज्वाइन का बटन दे दिया है, तो मेरी आपसे अपील है दोस्तों, सब्सक्राइब भी आप करते हैं चैनल को, अगर आप थोड़ी सी भी आर्थिक मदद कर पाएं तो अलग अलग ऑप्शंस हैं ज्वाइन बटन में जाकर, जो भी ऑप्शन आपको सूट करता है वो ऑप्शन क्लिक करके थोड़ी सी भी आर्थिक मदद अगर कर पाएं तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।